नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल विकी इंडिया में। दोस्तों, आपने कई भूतिया किस्से और कहानियाँ पढ़ी और सुनी होंगी, तो आज हम एक ऐसी सच्ची भूतिया जगह की बात करने वाले हैं, भानगढ़ किले की, जिसे भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में बसा यह किला 300 साल तक खूब फलता रहा, लेकिन उसके बाद इसमें ऐसा क्या हुआ कि आज ये वीरान पड़ा हुआ है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी सहित पूरा साम्राज्य भी मौत के मुंह में समा गया था, और इसका कारण था काले जादू के तांत्रिक का श्राप, जिस वजह से यह जगह आज भूतों से भरी हुई है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी, और उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह प्रस्ताव भी आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार के लिए निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर इत्रों को लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय पास में खड़ा सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति, जो काले जादू में महारथी था और राजकुमारी से बहुत प्यार करता था, उन्हें देख रहा था। उसने उस इत्र की बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी ने खरीदी थी, मगर राजकुमारी के विश्वास पात्रों ने उन्हें यह बात पहले ही बता दी, जिससे उन्होंने उस बोतल को पत्थर पर पटक कर तोड़ दिया और वो जादू तांत्रिक पर उल्टा पड़ गया, जिससे पत्थर फिसल कर तांत्रिक के ऊपर चढ़ गया और तांत्रिक की मौत हो गई। मगर उसने मरने से पहले श्राप दिया कि यहाँ रहने वाले जल्द ही मारे जाएंगे और उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, उनकी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेंगी। और कुछ दिन बाद एक युद्ध में समस्त भानगढ़ मारा गया, और वो मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी इस किले में श्राप के कारण भटकती रहती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।